Assalamualaikum dear viewers. So the last lecture was based on certain numericals, okay, and those numericals in which the concept we used was interpretation, kinetic interpretation of temperature, root mean square velocity. लेकिन last में मैंने आपको एक question रखा था, तो कुछ बच्चे हैं जिनको वो नहीं आया है, so मैं वो question यहाँ पे discuss कर रहा हूँ. The question was like this. Calculate the number of molecules. Let me write down the question. Calculate the number of molecules in 2 into 10 raised to the power minus 6 meter cube of a perfect gas. Okay, then it is kept at what temperature? At 27 degrees centigrade. Then, and at a pressure of 13.6 into 9.8 newton per meter square. This is the pressure of gas. Okay, then it is given mean kinetic energy of a molecule. That means it is the mean kinetic energy of a single molecule. Mean kinetic, you can write down it as a kinetic energy of each molecule. Mean kinetic energy of a molecule at 27 degree centigrade. अब ऐसा mean क्यों लिखा है? क्योंकि एक एक gas molecule की भी velocity continuously vary करती है, तो उसकी kinetic energy भी with time vary करती है, इसलिए इनका mean लिया है. At 27 degree centigrade is equal to 4 into 10 raised to the power minus 11 cube. So this was the question. तो कुछ बच्चों ने सीधे आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकलते, लेकिन हमें मॉलिक्यूल्स निकालने. तो करना क्या है बेटा, पहले क्वेश्चन को समझो. हमें बताना है गिवन, पहले हम देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है. वी हैव द वॉल्यूम ऑफ गैस, हमें बताना है इस वॉल्यूम में, यानी कि परफेक्ट गैस लिया है. गिवन वॉल्यूम ऑफ द परफेक्ट गैस इज 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, एंड the temperature of the gas is T is 27 degrees centigrade. But I told you, whether you talk about kinetic theory or thermodynamics, in both the subjects we convert it into Kelvin. 27 plus 273, that is 300 Kelvin. Okay, so this is the temperature of what gas. Then uske baad aap dekho प्रेशर कितना है, इस परफेक्ट गैस को किस प्रेशर पे रखा है. 13.6 इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेदर यू राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. और मत बेटा कुछ दिया है, यस मीन काइनेटिक एनर्जी दी है, मगर कितने मॉलिक्यूल्स की, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूल. प्लीज ये समझो, अंडरस्टैंड करो, ये सारे मॉलिक्यूल्स की नहीं है, एक मॉलिक्यूल की है. कितनी है बेटा, 4 × 10⁻¹ जूल. अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो बेटा मेरी ओर ध्यान दे. हम ये करेंगे, हम देखेंगे बेटा इतने मॉलिक्यूल, जितना इसका वॉल्यूम है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स की कितनी मीन काइनेटिक एनर्जी है. So I will determine mean kinetic energy of molecules of how much volume, of this much amount of volume. इतने volume में जितने molecules हैं उनकी mean kinetic energy कितनी है, और हमें पता है ना एक molecule की कितनी kinetic energy है. Then आप biological point of view से आप समझ सकते हो तो कितने मॉलिक्यूल उसमें मौजूद होंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी रिटन एज
mean kinetic energy of molecules in given volume, यानी कि जो volume दिया है in given volume, शाबाश, whole divided by mean kinetic energy of a molecule. बेटा logical बात है, अगर आप देखोगे इतने volume में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, डिवाइड करोगे एक मॉलिक्यूल की कितनी मीन काइनेटिक एनर्जी है, वहां नहीं निकलेगी कितने मॉलिक्यूल है. जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आपको देखना है, जैसे सपोज यू हैव 10, यू हैव द मीन काइनेटिक एनर्जी और एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है, ओके. और मैंने देखा गिवन वॉल्यूम में जो मीन काइनेटिक एनर्जी आ रही है से दैट इज 10, देन कैन यू टेल मी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट गिवन वॉल्यूम? 10 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस 10 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. सिमिलरली अगर आप ऐसे में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपको एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 2 जूल दी है एंड गिवन वॉल्यूम में मैंने देखा कि जो मीन काइनेटिक एनर्जी निकली लेट इट बी 10 जूल्स. नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम? 10 divided by 2, mean kinetic energy of the given volume divided by kinetic energy of a single molecule. तो आप क्या करोगे बेटा? Mean kinetic energy कैसे निकालोगे? You know, mean kinetic energy. Okay? You know there is a relationship between kinetic energy and pressure. What is that relation? Mean kinetic energy of molecule. शायद आपको याद होगा जब interpretation पढ़ी थी. Of molecules per unit volume, याद है बेटा किसके बराबर होता था? That was equal to 3/2 times P. Yes. But हमें volume हमें देखना है ना, mean kinetic energy of molecule in a given volume. तो V को यहां ले जाओ बेटा, तो क्या आएगा यहां पर?